नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सरकारी नौकरी की अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब चैनल को, दबाइए बेल बटन हर लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। मैं आपको बता दें तो ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ से आई हुई है। अगर आप 8th पास हैं विद हिंदी या फिर पंजाबी सब्जेक्ट के साथ, डजेंट मैटर कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस आपकी 8th जो है हिंदी या पंजाबी के साथ अगर पास आउट है देन आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत की तरफ से आई हुई है। सैलरी स्टार्टिंग रहेगी 16,900 से लेकर 53,500 तक। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 6 पोस्ट है। पहले ये टेम्परेरी रहेंगी पोस्ट जो है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, 8th पास कैंडिडेट के लिए है। और बस हिंदी और पंजाबी के साथ अगर पास आउट है तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है प्लेन पेपर पर, अपनी डिटेल्स लिखकर अपनी हैंड राइटिंग में। यहाँ पे देखिए फुल पर्टिकुलर अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट या फिर पोस्टल एड्रेस, अगर मान लो कुछ पोस्टल करना है उन्होंने तो वो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर परमानेंट एड्रेस। परमानेंट वैसे सही रहेगा। क्वालिफिकेशन और कैटेगरी, मतलब कौन सी कैटेगरी के, आप कॉन्टैक्ट नंबर विद अपने 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ जो कि अटेस्टेड हो उसके साथ आपने अप्लाई करना है, और 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेल्प के साथ। और साथ में देखिए अटेस्टेड कॉपी और सर्टिफिकेट की, अटेस्टेड कॉपी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की, साथ में अपनी अटेस्टेड कॉपी आपने जो है लगा देनी है। और 10 अक्टूबर से पहले पहले आपने जो है अप्लाई कर देना है, मतलब 10 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। और जो इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होगी वो जो इनका कोर्ट कॉम्प्लेक्स है पानीपत वहां पे होगी, और वेबसाइट पे ये मेंशन कर देंगे। ये जो मेंशन वेबसाइट है मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत की वेबसाइट का ये वाला लिंक है, तो इस पे ये वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे कब आपको वहां पे इंटरव्यू जो आपकी कंडक्ट होगी। अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हो, अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू पे नहीं पहुंचते, अब मान लीजिए जो जिन कैंडिडेट का ए से लेकर जी तक नाम है उनको बुलाया गया है, मान लो सपोज दैट 15 अक्टूबर को बुलाया गया है, आप किसी रीजन से नहीं पहुंचे तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट वालों की जो है वो टर्न आएगी, राइट? तो उसका ध्यान रखिएगा। और साथ में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेके जाना है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। और कोई भी आपको सेपरेट कॉल लेटर यहाँ कैंडिडेट्स को इन्होंने बताया हुआ कि नहीं भेजा जाएगा, और TA DA आपको कुछ भी इंटरव्यू के दौरान नहीं पे किया जाएगा, राइट? तो सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, पढ़ करके अप्लाई करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है, ये मेंशन नंबर है 01802651000, तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप 8th पास बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके नॉन में है कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने 8th या 10th पास है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए प्लीज बहुत शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि किसी का भला हो पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।